जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। बगलामुखी कवच के लाभ। माता बगलामुखी का कवच शुभ, पवित्र और शक्तिशाली कवच है, जो 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी को समर्पित है। यह नकारात्मक शक्तियों और बुरी दृष्टि से बचाव के लिए सुरक्षा की तरह काम करता है। बगलामुखी कवच आपको और आपके परिवार को खराब शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको नुकसान पहुंचा रहे लोगों और शत्रुओं का नाश होता है। इसका पाठ करने से कोर्ट कचहरी जैसे जमीन जायदाद, गरीबों केसों में तुरंत राहत इस कवच के पाठ से मिलती है। देवी बगलामुखी की आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। व्यापार दुकान में आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। भंडार के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और जहरीले पदार्थों का प्रभाव भी इस कवच के पाठ से समाप्त हो जाता है। बिजनेस व बिजनेस से जुड़े प्रेरणा दूर होने के साथ साथ बिजनेस में सफलता भी प्राप्त होती है। बगलामुखी कवच धारण करने से विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रह दोषों से परेशान है या फिर उसके जीवन में अनेकानेक परेशानियां यदि बनी हुई है, दृष्टि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष आदि दोषों सहित उनकी उत्पत्ति से इस कवच का पाठ करने से लाभ मिलता है। सभी भक्तों को माँ बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए तथा माँ बगलामुखी के कवच का विशेष रूप से अनुष्ठान के रूप में पाठ करना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष इस एपिसोड के माध्यम से माँ बगलामुखी का एक ऐसा प्रभावशाली कवच आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप इस कवच का पाठ अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन से समस्त देही देविक बाधा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो सर्वप्रथम तो आपने माँ बगलामुखी का जो विग्रह है या फिर यंत्र है उसको किसी काष्ठ की चौकी पर पीले वस्त्र के ऊपर स्थापित करें और देसी घी का दीपक माँ बगलामुखी के समक्ष आप जलाएं। सर्वप्रथम आप आचमन करें। आचमन करने के पश्चात आसन शुद्धि आप कर लें। उसके पश्चात आप आत्मशोधन अपना करें और उसके पश्चात आप संकल्प लें। संकल्प में आपके कामना आप माँ बगलामुखी से कहें। जो भी आपकी कामना है, व्यापार से रिलेटेड या फिर शत्रु से रिलेटेड या फिर कोई केस मुकदमा यदि आपका अटका हुआ है या फिर कोई ग्रह आदि वाला यदि आपके जीवन में है तो आप अपनी समस्या माँ बगलामुखी से कहें। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। उसके बाद आप विनियोग लें, एक चम्मच में या फिर अपने अपने दाहिने हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र मंत्र कवचस्य भैरव ऋषि ही विराट छंदा श्री बगलामुखी देवता क्लिंग बीजम एंग शक्ति श्रीम कीलकम मम परस्य च मनोभि लसितेष्ट कार्य सिद्ध्यार्थे पाठे विनियोगा। इस प्रकार से उस जल को आप भूमि पर छोड़ दें। उसके पश्चात आपको न्यास करने हैं। ओम भैरव ऋषये नमः से सिर का स्पर्श करें, विराट छंद से नमः मुखे मुख का स्पर्श करें, बगलामुखी देवताय नमः हृदय हृदय का स्पर्श करें, ओम क्लिंग बीजाय नमः गुह्यो अपने गुदा का स्पर्श करें, एंग शक्ति नमः पादयो पैर का स्पर्श करें, श्रीं कील का नमः सर्वांग सभी अंगों को अपने स्पर्श करने के पश्चात फिर अपने हाथों का जल से धुल लें। उसके पश्चात आप ओम ह्रां अंगुष्ठिकाभ्याम नमः अंगुष्ठ को अंगुष्ठ से मिलाएं, दोनों हाथों की जो अंगूठा होता है उनको आपस में आप मिलाएं। ओम तर्जनीभ्याम नमः अब फिर अंगूठे की साइड वाली उंगली, ओम मध्यमाभ्याम नमः मध्यमा उंगली, ओम हेंग अनामिकाभ्याम नमः अब अनामिका, ओम हुं कनिष्ठिकाभ्याम नमः अब कनिष्ठिका, ओम हाँ करतल पृष्ठाभ्याम नमः दोनों हथेलियों को स्पर्श करने के पश्चात आप पुनः जो है आचमन करें। उसके पश्चात माँ बगलामुखी के स्वरूप का आप ध्यान करें और प्रार्थना करें कि भगवती आपके जीवन के सभी कष्टों का माँ बगलामुखी हरण कर ले। ओम सुवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनाम पीतांशुगोल्लासनीम हेमाभंगरुचिं शशाङ्कमुकुटां स्वच्छम्पकस्त्रग्युतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतीं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगदां
स्वस्तम्भनी चिंतये भगवते बगलामुखे नमः। अब हम जो है कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवती बगलामुखी के चतुर्भुजी रूप का ध्यान करते हैं। भगवती को प्रणाम करें और अपने गुरु की भक्ति और गुरु के प्रति एक अटूट श्रद्धा और विश्वास को आप अपने मन में धारण करते हुए भगवती बगलामुखी के कवच का पाठ करें। शिरो मे पातु ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकं संबोधं पदं पातु नेत्रे श्रीबगलान्ने श्रुतमं रूपं पातु नासिका नासाध्यं पातु कुण्डौ सदा मां श्रुमस्तं देहि द्वन्द्वं सदा जिह्वा पातु यज्ञं मचं कण्ठदेशं सदा पातु वाञ्छितं बहुमूलकं कार्यं साध्य द्वन्द्वं दूकुरु पातु सदा मम मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदं पातु सर्वदा अष्टाधिक चत्वारिश्चण्डा देवगलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्रागरण्ये सदा मम ब्रह्मास्त्रकं नपातु सर्वाङ्ग सर्वसन्देशो मन्त्रात् सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा ॐ ह्रीं पादनाभदेशं कटिं मे बगलावधो मुहोर्णिं पातु कुलिङ्गं मे मुस्कायकं जानुमे सन्तुष्टानां पातु मे वर्णपञ्चकं वाचं मुखं तदा पादं स्वर्णाप्रवेश्वरी जङ्घायिक मे सदा पातु बगलारिपुमोहिनी स्तंभे दीपतम विष्णुम पादो अमृतम जिह्वामृतम पादो गुलभूर्मे किलितिज पादे सर्वदा पादो बुद्धिम पातले मम विनाशाय पदम पादो पादुल्यनुगानमे ऋग्बीजम सर्वदा पादो बुद्धिं ग्रीवचंसमे सुरंगं प्रोणावादो स्वाहा रोमाणि विविधो ब्रह्मे पुरुदले पादो चाग्ने अविष्टमल्लभ माहिषी दक्षिणे पादो चामुण्डाराक्षेवदो कौमारी पश्चिमे पादो वायव्ये च पराजिता वाराही चौत्रे पादो नारसिंहीशिवदो ऊर्ध्वं पादो महालक्ष्मी पादाले सर्दावदो वित्तुष्टो सुक्तया पान्तु सैदस्सवाहना राजद्वारे महादुर्गे पातु मम गणनायका शमशानील मध्ये च भैरवास्थ सदावतु दिभुजा रक्तमस्ता सर्वाभरणभूषिता योगिन्या सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम इति ते कथितं देवे कवचं परमार्बुदम् श्री विश्वजं नाम कीर्ति श्री विजयप्रदम् अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं सदाजं निर्धनो धन्माप्नोति च सस्पाटदा जपित्वा मन्त्रायं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखे पठेदिदं हि कवचं निशायां निमातुया यं यं कामदे कामं साध्य साध्यमहितले तं तं काम आप्नोति सप्ता तृणशङ्करे गुरुं ध्यात्वा सुरां पित्रात्रौ शक्ति संनिमदा कवचं म्या पठेत् देवी तत्सद्यं किञ्चना यं ध्यात्वा प्रजवेन्मन्त्रं शास्त्रं कवचं पठेत् त्रियारणं सम्याति तत्सं तन्नातं संशया लिखित्वा प्रतिभां शत्रुः सतलहृदया लिखित्वा हृदि तन्नामा तं ध्यात्वा प्रजवेन्मनम् एकविंशदिनं यावत् प्रथमं च शास्त्रकम् जबत्ता पठितो कवचं चतुर्मस्तुवार्कं संस्तम्भोजायते शत्रुनाथ कार्यचारणा विवादे विजयतः संग्रामे जीवाप्नुयात् शमशाने च भं नास्ति कवचस्य प्रभावता नवनीतं चाभिमन्त्रिणा स्त्रीणां दध्यान्मये स्फुरी वन्ध्यां जायतो पुत्रा विद्योल्समिन्ता शमशानङ्ग्रमादाय भवरात्रु स्नवधा पादोदिगिनेषु विश्वाचलिकलोचलाकया भौमौ शत्रुस्वरूपं च हृदीनां समलके हस्तं तद्रदे दत्त्वा वचं दिदिवार्कं ध्यात्वा जपेन्मन्त्राजन्नरत्नपृन्दा मृत्युदेवदेहेन तस्मिन्निरे संशया भोजभद्रमिदमष्टोत्तरमष्टकुण्डेन शालके धार्ये दक्षिणे बाहू नारी वाम्बुजे दधा सङ्ग्रामे जीवमाप्नोति नारी पुत्रविदेवे ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैविक्रन्तति जज्ञां सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजय फलमालभे बृहस्पति समो वापि विभेदनोपमा काम तुल्यश्च नारीणां शत्रुणां च मम कविता लहरी तस्सा भवेद् गङ्गा प्रवाहवत् गद्पद्मयी वाणी भविद्देवी प्रसादता एकादशतम मवात्पुरुषणमुच्यते पुरुषचर्याविहीनं तु न चेदं फलदायकं नारीयं प्रसस्सभ्या तुष्टिभ्यस्सा विशेषता देयं सस्साय भक्ताय पञ्चत्यं चान्यथाप्नुयात् इदं कवचं मग्गत्वा विजिद्य बगलामुखे शतकोटिजपित्वा तु तत्सिद्धिर्न जायते दारढ्यो मनुजस्य लक्ष्यप्ता प्राप्नोति सिद्धिं परां विद्यां त्रिविजं तदा सुनितं धीरस्स वीरावर ब्रह्मास्त्राख्यमनं विलख्य निरतरां भुजमष्टकन्देन वे धृत्वा राजपुरं व्रजन्ति हलोमिदा स्वस्तिते सां नृपः तत्सद्भगवती बगलामुखीर्पणमस्तु। विशेष भगवती बगलामुखी का जो कवच है, इस कवच का पाठ आप रात्रि के दूसरे या तीसरे पहर में महानिशा में पत्नी सहित गुरु का ध्यान कर इस कवच का पाठ करने से 7 रात्रियों में ही देवी साधक पर कृपा कर देती है। इसका पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति हो जाती है और निर्धन धन की प्राप्ति करता है और
साथ ही साधक के समस्त शत्रुओं का नाश भगवती बगलामुखी करती है। कवच का 3 बार पाठ करने से वशीकरण होता है। जिन लोगों को यह कवच गुरुमुख है, जिन लोगों को यह कवच गुरु ने अपने मुखारविंद से दिया है, वो लोग यदि इस कवच का 1000 आवृत्ति का पाठ कर लेते हैं तो 1000 आवृत्ति का पाठ करने से यह कवच जो है सिद्ध हो जाता है। वह व्यक्ति कवच का 3 बार पाठ करने से किसी भी व्यक्ति का वशीकरण 3 पाठ के द्वारा कर सकता है। शत्रु का स्तंभन करना हो तो हल्दी से शत्रु की प्राकृति बनाकर उस पर आप अपने शत्रु का नाम लिखकर इसका विशेष रूप से आप अनुष्ठान करें। अनुष्ठान में 21 दिनों में आपको कवच के 1000 पाठ करना अत्यधिक आवश्यक है। यदि 5 स्त्री को भी कवच द्वारा अभिमंत्रित मक्खन यदि खिला दिया जाए तो वह भी पुत्रवती हो जाती है। कवच धारण करने के लिए पहले भोजपत्र पर अष्टगंध के द्वारा इस कवच को आप लिखें, तब स्त्री अपनी बाईं भुजा पर और पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर इस कवच को धारण करें। मां बगलामुखी का यह कवच विशेष रूप से बहुत लाभकारी है। जिन लोगों ने इस कवच का पाठ अपने जीवन में किया है उन लोगों ने भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त की है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।